एक मिनट आइए ना दीजिए ना। सरकार पहले यह बताए कि शराब का डेडलाइन क्या होगा, किस दिन एक बूंद शराब या स्मगलिंग और इसके एक बूंद शराब नहीं मिलेंगे, एक डेडलाइन वो अपने मन से बता दें। 5 सालों के अंदर 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की है। ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये जो इलाका है ये यूनिवर्सिटी है तस्करों का, शराब माफियाओं का हब है। लगभग नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरियों का पैसा शराब में इन्वॉल्व रहता है। 4 माफिया का तंत्र है इस बिहार में जो आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है। एक है सबसे पहला शराब, दूसरा है जमीन की माफिया। जितना बिहार में खास महल की जमीन है, टोटल के टोटल जमीन दलालों ने बेच करके घर भर लिया। तीसरा है खनन, बालू, अनु, और चौथा है ठेका माफिया। ये 4 माफिया के नेक्सस में, चंगुल में है पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी, और नेता तय करता है। गोदाम में हर महीने 1.5-2 करोड़, 4 करोड़ के शराब पकड़ाते हैं और वो गोदाम नेताओं के किसी न किसी रिश्तेदार का होता है। अभी पंजाब से 2 तस्कर शराब माफिया पकड़े, उसका ना तो अकाउंट सीज हुआ, ना ही उसके अकाउंट खंगाले गए, ना ही उसके कहने पर बिहार में जिसको वो 400 ट्रक डेली देता था ना उसके नाम एक्यूज हुए। 15 दिनों के अंदर चार सीट पैसा लेकर के खत्म हो जाएगा, माफिया चले जाएंगे। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 5 सालों के अंदर आपने कई एसपी, कई कलेक्टर या मंत्रियों को बर्खास्त किया, क्या 302 के मुकदमे मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अन जहरीली शराब में आज तक जितने लोग आपने कभी 302 के मुकदमे किए, क्या आप कभी नैतिकता के आधार पर उत्पाद मंत्री इस्तीफा दिया? छोटी मछली को हमेशा, गोदाम है पप्पू यादव का, गोदाम है किसी एमएलए का, गोदाम है किसी एमपी का, गोदाम है किसी सत्ताधारी और विपक्ष का, और आप गोदाम के चौकीदार को जेल भेज देते हैं। जिनके नाम से गोदाम है उसको जेल नहीं भेजते हैं, कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अभी तक किसी की संपत्ति 5 सालों के अंदर जब्त नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा का मेरा आपसे डिमांड है कि नेता पदाधिकारियों के ब्लड का जांच क्यों नहीं होता है कि वो दारू पीते हैं कि नहीं? 3 महीने के अंदर बिहार में आप यदि नेता और पदाधिकारी का ब्लड जांच करिए तो पता चल जाएगा कि लोग हर सप्ताह मिनट टू मिनट 90-95% नेता का, यदि आप ब्लड जांच कीजिएगा तो दारू का सेवन मिलेगा पदाधिकारी, और पूरी पुलिस महकमा दारू बेचवाने में लगी रहती है।